अपने परिवार तक ही सिमट के रह गए। धीरे धीरे जैसे उन्होंने सब में आहार सब व्यायाम और सब में क्लीन के बारे में बताया, उसको पहले 3 महीने तक फॉलो किया जो वो 10 दिन तक कैंप में बता के गए, किसी के साथ शेयर नहीं किया। सबसे पहले बांटने नहीं चले गए हैं कि नहीं मेरे को ये बताया ये सही चीज़ है, क्योंकि सही पे हम विश्वास कैसे करेंगे कि सही है कि गलत है। यदि हम आपको यहाँ से 10 बातें बोल रहे हैं तो आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उस चीज़ का। तो 3 महीने तक जब मैंने रेगुलर फॉलो किया इसको तो मेरा 80 किलो वजन था तो 52 पे आ गया। उसमें कोई चमत्कार नहीं था क्योंकि मैं वजन के लिए मैं गई नहीं थी, लेकिन लोग मुझे टोकते थे, फिर भी नहीं पता चल रहा था कि मेरा वजन इतना कम हो गया क्या, क्योंकि मुझे रूटीन अच्छा लगा तो मैं फॉलो करती गई। आज 5 साल हो गए कोई रूटीन मेरा चल रहा है, लेकिन मेरा अब पढ़ने का भाव ऐसा है कि ये चीज़ इतनी अच्छी कि जयपुर में प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए ये चीज़। एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हुई बल्कि डबल हो गई, कोई 3:30 बजे उठने लगी जो 8 बजे उठती थी आज 3:30 बजे। मेरे जीवन के 4 महीने तो मैंने ऐसे ही बढ़ा ली और रात को 11 बजे सोती हूँ 3:30 बजे उठ जाती हूँ और घर का सारा काम करके बच्चे भी स्कूल जाते हैं और पति की ऑफिस जाता है, मैं खुद का सोशल वर्क हो गई सब कर। प्लस मेरे हस्बैंड के 5.5 डायबिटीज़ थी, डॉक्टर पर्चियाँ फेंक देते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तब मेरे को मेरे भाभी आप करो, क्योंकि डॉक्टर हमारे जानकार थे, तो उन्होंने कहा भाभी आप कुछ करो। मैं क्या करूँ, शाम को पार्टी में तो जाती ही बना के खा के आके सो रही, कैसे होगा ये करते। जब मुझे बनवा रही थी भाभी जब एक्सरसाइज तानी बजाना प्लस फूड बताया कैंप के दौरान वो हमने फॉलो किया। आज एक टैबलेट भी जब भी 15 साल टैबलेट दी थी उन्होंने और कैंप के 3 महीने बाद करके सारी दवाइयाँ छूट गई, क्योंकि हम शायद संभव ही नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। दवाइयाँ देने के बाद भी डायबिटीज बढ़ रही थी और दवाइयाँ छोड़ने के बाद वो व्यक्ति 3:30 बजे उठता है, रात को 11 बजे सोता है, पूरे दिन एनर्जी का लेवल डबल हो गया। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट कराया था, पता चला नहीं तो हम भी कैंप में आते और आके मित्र बहुत से लोग मित्र जयपुर के आके हजारों मित्र आए हजारों मित्र चले गए, लेकिन प्रवचन नहीं प्रयोग शिकायत नहीं समझ ये ऐसा ही करवा देने की समझी कि हम दूसरों को शिकायत कर रहे हैं। आंसू आ गए क्या हुआ, हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहते समय आंसू आ जाते हैं, अपने को लेकर आम करा बहुत सारी चीजें होती है, बट ये जीवन में स्थाई कैसे। हर व्यक्ति प्रेम बांटना चाहते हैं, प्रेम से बना हुआ है हर व्यक्ति, कोई गुस्सा नहीं करना चाहता, चिड़चिड़ाहट करना चाहता है, अगर करना चाहता है तो ये माहौल नहीं बना। जो चीज मेरे अंदर होगी नहीं वो बाहर कैसे निकलेगी, मेरे अंदर अगर प्रेम ही नहीं बना होगा तो मैं कभी निकाल ही नहीं सकती, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले हो सकता है, बट है तो ही तो निकलता है ना। आनंद परमात्मा ने देकर भेजा हमारे भीतर, प्रेम भी देकर भेजा है। सभी तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी। सबको क्यों बुलाते हैं उसमें, मजे दिखाने के लिए नहीं, आनंद बांटने से बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं। क्यों काकी को बुआ को सबको आस पड़ोस के सब लोगों को बुलाया जाता है, हमारे घर बच्चा भी पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता है कि आओ आओ। कौन चाहिए हमें, एक तो हमने अपने
बना लिया या हम खुश हो गए, बट अब इस खुशी को फैलाने जीवन में कुछ प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य तो पीछे आ ही जाएगा, ये भूसी है। पर माले जी का फोकस है, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद चाहता है तो स्वास्थ्य तो आएगा ही ना, पीछे ही आएगा। तो शरीर शुद्धि, फिर विचार शुद्धि और फिर भाव शुद्धि। अब आप जो यहाँ पे थोड़े से हल्के हुए, अब आप जब हारमोनी एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो गहरी मिलाएंगे कि नहीं, तो अब अगला अंतिम प्रयोग है एक दूसरे के। तो अभी आप बताएंगे दोनों हाथ उठाकर कि आप सभी तैयार हैं। देखो आंटी की सिर्फ आवाज आ रही है, दो चार लोग आगे आगे वालों की, पीछे वाले तो शायद तैयार नहीं है। सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या आप सभी तैयार हैं? क्या बात है, बिल्कुल तैयार है, शुरू करते हैं। दोनों हाथ उठा के मस्ती से झूमेंगे। आज तो दामोदर, राधा दामोदर मंदिर में है, कृष्ण को आमंत्रित करेंगे हम।